बशरा, कैसी हो तुम? व्हाट्स अप, मूड कैसा है तुम्हारा? तुम बताओ। मुबशरा, तुमने मोहिब पर केस किया था, मैंने अभी देखा वो केस जीत गया है। वो तो इस खुशी में डिनर भी थ्रो कर रहा है। तुम्हें पता है मुझे भी इनविटेशन आया था। हालांकि मैं तो हिना की कोई क्लोज फ्रेंड भी नहीं थी। समझ में आया तुम्हें क्यों इनवाइट किया उसने, ताकि तुम्हारे जरिए ये खबर मुझ तक पहुंच सके कि उसे खबर बनने का शौक है ना, तो मैं बनाती हूं उसे खबर। मुझे अभी उसकी लोकेशन भेजो, मैं वहां जाके उसका वो हाल करूंगी कि वो याद रखेगा। रिलैक्स मुबशरा, तुम क्यों इतना रिएक्ट कर रही हो? वो तुम्हारे साथ माइंड गेम्स खेल रहा है और तुम उसी तरह इमोशनली रिएक्ट कर रही हो जिस तरह वो चाहता है। मैं उसे जान से मार दूंगी, सामने आ जाए ना मेरे बेटे, जान से मार दूंगी आज। यार तुम्हें क्या हो गया? तुम फिर उसी तरह रिएक्ट कर रही हो। मुबशरा समझने की कोशिश करो। तुम्हें पता है जब से उसने तुम्हें डिवोर्स दिया ना, उसने तुम्हारे साथ कोई भी पिक्चर डिलीट नहीं की, बल्कि डिवोर्स के फौरन बाद हिना के साथ पिक्चर्स पोस्ट करना स्टार्ट कर दी, ताकि तुम उन पिक्चर्स को देखो, तुम्हें गुस्सा आए और तुम कोई रिएक्शन दो और लोगों की नजरों में बुरी बन जाओ। इस तरह उसने तुम्हें डिवोर्स करने का जो स्टेप लिया वो जस्टिफाई हो जाएगा। बशरा, ट्राई टू अंडरस्टैंड, वो तुम्हारे साथ प्ले कर रहा है। तुम भी इस तरह रिएक्शन देने के बजाय उसके साथ भी जाके ऐसे ही माइंड गेम्स खेलो, और सबसे पहले जाके उसका इंस्टा चेक करो, फिर ये सोचो कि क्या रिएक्शन देना है। निम्रा, सारे ब्लॉगर्स को फोन करो और उनको बोलो वो अभी कर। गैर मेरे किसका